नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ऐसे में खबरों की माने तो ईशा के पिता धर्मेंद्र अपनी बेटी के तलाक से दुखी हैं। वे चाहते थे कि ईशा भरत से अलग होने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। देओल परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा और भरत अलग हों। यहां तक कि दिग्गज एक्टर ने अपनी बेटी ईशा और उनके पति भरत को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दोनों नहीं माने। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के परिवार को टूटते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता। धर्मेंद्र जी भी एक पिता हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी के अलग होने के फैसले के खिलाफ थे, बस चाहते थे कि ईशा भरत अलग होने के फैसले पर एक बार दोबारा भी सोच ले। अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया कि ईशा और भरत दोनों धर्मेंद्र के बहुत करीब हैं। भरत देओल परिवार के लिए उनके बेटे की तरह है। वहीं बेटी ईशा भी पिता से काफ़ी क्लोज है। धर्मेंद्र बस चाहते थे कि दोनों बच्चे खुश रहें। ईशा भरत की दोनों बेटियां नाना नानी दादा दादी के करीब हैं। पति पत्नी के अलग होने का असर बच्चों पर पड़ता है, इसलिए धर्मेंद्र को लगता था कि अगर शादी बचाई जा सकती थी तो उन्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईशा और भरत के तलाक से परिवार में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। परिवार में इस तरह की बातें कुछ समय से चल रही थी। इसमें आगे बताया गया कि ईशा की मां और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी अपनी बेटी के फैसले को सपोर्ट कर रही हैं, वे इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ईशा और भरत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। स्टेटमेंट में लिखा था, हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि अब हम साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे दोनों बच्चों का भविष्य सबसे अहम और हमेशा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।